नमस्कार, मारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चली खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर ग्रीन इगुआना को रेस्क्यू किया गया। राजापार्क इलाके से इसके घूमने की सूचना मिली थी। भारत में ग्रीन इगुआना की प्रजाति नहीं पाई जाती है। हॉप एंड बियॉन्ड की ओर से रेस्क्यू कर इसे जयपुर जू भेज दिया गया है। कानून नरम होने की वजह से बहुत से लोग ये जीव लाते हैं, बाद में लावारिस छोड़ देते हैं इन जीवों को मरने के लिए। और इसी बीच यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और इसको रेस्क्यू करके जयपुर जू में भेजा गया। ग्रीन इगुआना का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। ये है ग्रीन इगुआना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये ग्रीन इगुआना की प्रजाति है और ये अमूमन भारत में नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लाते हैं और उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कड़ा कानून नहीं होने की वजह से बहुत से लोग ये जीव लाते हैं, पालते हैं। तो राजापार्क इलाके से इसका रेस्क्यू किया गया है, इसके घूमने की सूचना मिली थी। और ये प्रजाति अमूमन भारत में नहीं पाई जाती है। इगुआना की प्रजाति हॉप एंड बियॉन्ड की ओर से रेस्क्यू कर के इसे जयपुर जू भेजा गया है। और बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। बीकानेर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा होने की जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर हंगामा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बहस हुई है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के बयान पर हंगामा हो गया और उन्होंने कहा कि बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे और इसी बात को लेकर के जमकर बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल चुनाव हार गए और इसी को लेकर हार की समीक्षा की एक बैठक यहाँ पर रखी गई थी और उसमें तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर थी। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में बेनीवाल के बयान पर हंगामा हुआ जब वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे और कांग्रेस पार्टी को इसीलिए बीकानेर में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मार्जिन बहुत ज़्यादा करेंगे था, लेकिन इसके बावजूद भी इस हार को लेकर के कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ है। आपस में कार्यकर्ताओं की तरफ से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के बयान के बाद कार्यकर्ताओं में आपस में हंगामा हो गया। आपस में एक दूसरे को तूतू में शुरू हो गई। और ये तस्वीरें देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और इसी बैठक के दौरान आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे पर भड़ास और नाराजगी निकालते हुए प्रकट हुए। लोकसभा में इस बार एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हुई। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस पार्टी के दौरान मंत्री रहे और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। महाजन में स्टेट हाईवे 62 पर अतिक्रमणों को हटाया गया है। बस स्टैंड, उप तहसील कार्यालय, आर्मी चौराहे से कब्जे हटाए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन समेत भारी संख्या में पुलिस ज्यादा मौजूद है। अधिकांश लोगों ने अपने कब्जों को खुद ही हटाया। हालांकि प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था और इसके बाद जिन लोगों ने अपने अतिक्रमणों को नहीं हटाया, वहां पर बुलडोजर चला करके उनके अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। तो बहरहाल महाजन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्टेट हाईवे 62 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि उप तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। कुछ लोगों ने पहले ही अपने अतिक्रमण हटा लिए थे, जैसे ही नोटिस जारी किया गया था उन्हें भनक लगी थी, अतिक्रमण पर कार्रवाई की। लेकिन कई लोग ऐसे ढीठ हैं जिन्होंने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए, उन पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। इन अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं कोटपुतली जोधपुरा गांव की खबर, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ पुनर्वास और अवैध ब्लास्टिंग समेत विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों का महापड़ाव लगातार जारी है। स्थानीय महिलाएं अपने परिवार के साथ इस महापड़ाव में शामिल हो रही हैं। अपनी मांगों को लेकर महिलाएं रात भर महापड़ाव में डटी हुई हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने ग्रामीणों से किए गए वादों को दरकिनार किया। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से आबादी इलाके में अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है, साथ ही क्रेशर संचालित किए हुए हैं। इसके अलावा पुनर्वास भी नहीं किया गया, इससे स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अपनी मांगों को लेकर 571वें दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महापड़ाव को लेकर प्रशासन भी गंभीर नहीं है। महापड़ाव में शामिल महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम यहां पर नजर नहीं आते हैं। फैक्ट्री प्रबंधन की
मनमर्जी के खिलाफ ये ग्रामीणों का महापड़ाव आक्रोश लगातार चल रहा है। सीमेंट कंपनी के खिलाफ ये ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सोए हुए हैं। बैरोड के कोटपुतली इलाके की ये खबर है, जहां पर लगातार ग्रामीणों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। महापड़ाव में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। तो वहीं राजसमंद में एसपी ऑफिस पर रंगा स्वामी समाज के 4 जिले और 5 गांव के प्रतिनिधियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। समाज के कैलाश दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रंगा स्वामी समाज के जिलाध्यक्ष श्रवण दास, उन्होंने भीम इलाके के रहने वाले कैलाश दास पर आरोप लगाए। कहा कि कैलाश दास समाज के कुछ लोगों को लालच देकर खुद को फर्जी जिलाध्यक्ष बताता है, समाज में फर्जी तरीके से भोले भाले समाज के लोगों को ठग रहा है। मथुरा दास ने बताया कि पिछले दिनों कैलाश दास ने उसे और उसके बेटों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। कैलाश दास से परेशान होकर रंगा स्वामी समाज के प्रतिनिधि और सदस्यों की तरफ से पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बैनर लगा के अपनी इको गाड़ी खरीद के लोगों को गाड़ी दिखाता घूमता और लोगों को बोलता है 2 रुपए का पेन, 5 रुपए की कॉपी, 10-20 रुपए का बुशर्ट और 50 रुपए की पेंट पहना कर एक एक गांव से, हमारे गांव से 10,000 रुपए ले गया, 5-5 हजार। किस गांव ने डोनेशन मांगा कि भाई इस बच्चों के लिए क्या दे रहे हो, तो किसी ने 10 दिया, किसने 5 दिया, किसने 1,000 दिया, किसने 500 दिया। सारे गांवों में वो घूमा आज से 2-3 साल पहले। उसके बाद में वो समाज में जहाँ भी जाता है, जहाँ कोई भी काम नहीं बुलाता उसके पहले वो पहुंच जाता है और उनका उनका दुरुपयोग करता है वो। वहीं खबर कोटा से, जहां पर कुनाड़ी इलाके में देर रात को एक बाइक चोरी हुई है। चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि एक बदमाश की ओर से चोरी करने की सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। पीड़ित युवक कलेक्शन कंपनी में काम करता है। पीड़ित की माने तो वह बाइक खड़ी करके खाने गया था, तभी उसकी मोटरसाइकिल एक बदमाश चुरा करके ले गया। बदमाश महज 15 सेकेंड में बाइक चोरी करके ले गया। उसने चाबी बाइक में लगाई, बाइक स्टार्ट करके फरार हो गया और चोर ने मास्टर की का प्रयोग की इस चोरी की वारदात में किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित मनोहर ने रात को कुनाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बाइक चोर का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात दी। किसान सम्मान निधि का उन्होंने शुभारंभ किया। किसानों के खातों में 650 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर किए गए। प्रदेश के 65 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए। कृषि मंडी परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, हीरालाल नागर मौजूद रहे। वहीं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, गौतम दक भी मौजूद रहे। 3 अलग अलग तस्वीरें इस कार्यक्रम की, जहाँ पर टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में अन्य मंत्रियों की मौजूदगी भी देखने को मिली और बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए थे। हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ईआरसीपी की योजना को समझौता करने का काम कराया और इधर यमुना पानी का समझौते का काम कराया। हमारे 21 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ईआरसीपी की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ईआरसीपी आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टर सिंचाई का भी पानी आएगा। ये आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री की सौगात, 65 लाख किसानों को सम्मान निधि और 650 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई। 23,000 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि रखा गया। 25 लाख किसानों को ऋण मिला है। तैयारियों को लेकर के पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई है। तो प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसे लेकर के भाजपा मुख्यालय में आज बैठक का आयोजन किया गया। अहम बैठक हुई जिसमें हर विधानसभा के लिए अलग अलग बैठक आयोजित की गई और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय पदाधिकारियों से लेकर दिग्गज नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव की
बिल्कुल तैयारी में लग गई है। हमने इस विषय पे बहुत बारीकाई से काम भी कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन सभी उपचुनावों में हम विजयी होंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर के आज दौसा में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है, जिसमें सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक रफी खान और कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम हासिल करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी दी गई। मेरे इलेक्शन जीतने के कारण ये विधानसभा सीट खाली हो गई है। कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा जाए, जिस तरह से लगातार चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और मजबूती से काम किया, और यही कारण रहा था कि विधानसभा क्षेत्र दौसा भी बहुत भारी बहुमत से हम जीते थे। के संगठन की जो एकजुटता का परिचय इस दौसा लोकसभा में देखने को मिला, उसी का नतीजा था कि हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ से विधायक रहे, मुरारीलाल मीणा जी सांसद बने, और आज उनकी जो विरासत है वो वापस किसी भी तरीके से कांग्रेस के खाते में जाए, उसको लेकर के संगठन को जो सक्रियता है उसको और सक्रिय किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर और बहुत अभूतपूर्व जीत हासिल की, और ख़ास तौर से दौसा की पब्लिक, तो मैं पूरे दौसा क्षेत्र के दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत उत्साह से, और जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी हमारा जो सबसे अच्छा इलेक्शन था वो दौसा लोकसभा क्षेत्र से ही था। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी बार उन पर भरोसा प्रकट किया है। और कार्यकर्ताओं का स्नेह, उनका आशीर्वाद और उनका परिश्रम और पुरुषार्थ था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे लगातार तीसरी बार जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया था, उसे जोधपुर के कार्यकर्ताओं के इसी स्नेह, इसी जोश, इसी जुनून, इसी जज्बे ने सफल किया था। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर लगातार तीसरी बार अपनी टीम में मुझे काम करके देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है, और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिम्मेदारी दी है जो आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्वकर्ता बनेगा, उसमें जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होने वाली है, जो वर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उनमें से एक भारत की टूरिज्म है। इस टूरिज्म की अपार संभावनाओं को एक बार समझते हुए उस दृष्टिकोण और अधिक विकास हो, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। तो वहीं पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम किया, और इस दौरान भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के सभी अहम पदाधिकारी पहुंचे, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को ध्यान लगा करके सुना। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम में पीएम ने पूरे देश के मन की बात की है। मन की बात का कार्यक्रम मैं सोचता हूँ देश के जन जन की मन की बात है, कि देश के जन जन की बात इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। किस प्रकार से हमारी आदिवासी बहनों ने छाता बनाने को लेकर उनको कैसे प्रमोट करना, कॉफ़ी को कैसे प्रमोट करना, किस प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा जो देश से दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, उसका किस प्रकार से बेंगलुरु में एक पार्क में लोग वीकेंड पर कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो संस्कृत भाषा का के बारे में भी और हमारी संस्कृति के बारे में भी कई बातों का मन की बात में चर्चा आई। मैं सोचता हूँ ये मन की बात देश के जन जन की चर्चा के मन की बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता के बीच में रखते हैं।
तो वहीं करौली में 6 से ज्यादा कॉलोनी में सीवरेज टैंक से ओवरफ्लो हो रहा है। गंदा पानी घर दुकानों के आसपास और रास्तों में जमा हो रहा है। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। मुरलीपुरा रामदयाल समेत अन्य कॉलोनी में सीवरेज की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि अंबेडकर चौराहे से शिकारगंज रोड में कई स्थानों पर सीवरेज टैंक के ढक्कन टूटे हुए हैं। इसके चलते आए दिन वाहन चालक और राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो वहीं झुंझुनू के पिलानी इलाके में रहने वाले लोगों के ने घरों में नालों का गंदा बदबूदार पानी घुसने से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। लंबे अरसे से मोहल्ले में जमा होने वाले गंदे पानी की समस्या के समाधान की मांग कर रहे लोगों के सब्र का बांध अब टूट पड़ा है। वे विरोध के लिए सड़क पर उतर आए। लोगों ने नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इस समस्या के तुरंत समाधान की मांग की है। पिलानी की तस्वीरें जहाँ पर लोग परेशान हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि चारों तरफ गंदा पानी। नगर पालिका के दांव की पोल हर साल की तरह इस बार भी खुल गई, लेकिन नगर पालिका को इस बात का कोई डर नहीं है क्योंकि कोई उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। हर साल इसी तरह से उनकी पोल खुलती आई है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब लोग आक्रोशित होकर सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जिनके कगार पे हैं और यहाँ के प्रशासन एकदम सुस्त है, कोई काम नहीं कर रही है। पैसे आते हैं डकार जाते हैं, काम कुछ करना नहीं। नाड़े लगाए उनका भी धार उल्टा करे, जोड़ी के अंदर कुछ भी नहीं किया, मिट्टी का पैसा वो भी खा गए। मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो जो ये लगाए गए हैं नाड़े, इनको साफ करवाए। दूसरा एक और है, हमने सुना है, खैर पता तो नहीं है, 4.5 लाख रुपए आए थे, लेकिन इसमें यहाँ 1 रुपए की भी मिट्टी नहीं गिरी है। उधर बाड़मेर में कई स्थानों पर मानसून की बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। किसानों ने अब खेतों की ओर रुख कर दिया है और किसान खेत जोतने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का यह मानना है कि उनके यहाँ सिर्फ बारिश आधारित खेती है और इस बार बारिश समय पर हुई और खेती करनी शुरू की है। उम्मीद है कि बारिश समय पर हुई है और बारिश होगी और अच्छी फसल तैयार होगी। अभी बाजरा, मूंग, तिल की खेती जो है वो बोई जा रही है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाड़मेर में जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद अब बुआई का काम शुरू हो गया है। तो खास तौर पर यहाँ पर तिलहन, दलहन और बाजरे की खेती जो है वो किसान करते हैं। कम समय में, कम लागत में ये खेती होती है। तो ऐसे में एक बार फिर से किसानों ने अब खेतों का रुख शुरू कर दिया है। अगली खबर 12 से, जहां चार मूर्ति चौराहे के पास बाइक सवार युवक की 39,000 रुपए की नकदी रखी थैली गिर गई। इसे एक अधेड़ उठाकर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अधेड़ की पहचान की और पीड़ित को रास्ते में गिरी नकदी वापस दिलवाई है। पुलिस के मुताबिक किसी काम से भाई के साथ ये 12 आया था। उसने बैंक से करीब 40,000 रुपए नकद निकलवाए। इसके बाद एक दुकान पर गया जहाँ उसने करीब 1,000 रुपए का कुछ सामान लेने के बाद इस नकदी भरी हुई थैली को रखकर गांव के लिए रवाना हो गया। वापस लौटा, उसकी जेब से 39,000 रुपये की नकद थैली जो है वो चार मूर्ति के पास में रास्ते में गिर गई थी। काफ़ी देर बाद जब उसने नकद थैली को गिरने की बात पता लगी उसे, तो उसको तलाश करना शुरू किया। आखिरकार ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस की मदद से ये पैसे वापस पीड़ित के पास पहुँच पाए हैं। उधर कोटपुतली जिले के बायरोड सदर थाना पुलिस की तरफ से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर ट्रोलियां जब्त की गई हैं। हालांकि पुलिस की दबिश ही सभी वाहन चालक इस दौरान मौके से भाग छूटे। इसके अलावा पुलिस ने साबी नदी से अवैध खनन मिट्टी ले जाते हुए मिट्टी से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रोलियां और जब्त की है, जिसकी सूचना खनन विभाग को दी गई है। पुलिस पकड़े गए वाहनों को खनन विभाग को सौंप करके जुर्माना वसूल करेंगी। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी बैरोड के दहमी गांव में खनन विभाग की ओर से आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रोलियां और 2 जेसीबी जब्त की गई थी। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं झुंझुनू में राशन डीलर की ओर से गरीबों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। मामला कलोठड़ा गांव का है, जहां पर राशन डीलर की ओर से राशन वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ दुकान के सामने ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह बताया कि डीलर
अमित की ओर से समय पर राशन उन्हें नहीं दिया जाता है और राशन कार्ड धारी को हर महीने मिलने वाले अनाज को भी कम तोला जाता है। कार्ड धारकों ने बताया कि जब डीलर के यहाँ पर राशन लेने आए तो डीलर की ओर से राशन कम दिया गया। जब लोगों ने दूसरी जगह राशन छुपाया तो 20 किलो की जगह 18 किलो और जिनको 30 किलो मिलना था उनको भी कम मिला। ये जी हमने राशन तुलवाए यहाँ पे अमित डीलर के पास, इसने राशन तोल के दिया, हमने बाहर जाके दो कांटों पे तोला तो उसमें किसी में 2.5 किलो किसी में 3 किलो, कम से कम हमने 10-12 परिवार का राशन तोला है और उसमें हर कट्टे में जो 30 किलो का था उसमें 27 किलो किसी में 28 किलो 40 किलो था उसमें 37 किलो 38 किलो सामान मिला है और ये हर परिवार के साथ ये घपला कर रहा है, किसी को भी पूरा राशन नहीं दे रहा है, इसके विपरीत प्रशासन कार्रवाई करे। ये हमें 30 किलो गेहूँ मिलते थे तो हमने उनकी तुलाई की तो 28 किलो गेहूँ निकले, ठीक है। तो इस प्रकार ये डीलर जो कार्रवाई कर रहा है ये ऐसा नहीं चलेगा, इसको बर्खास्त किया जाए और नया डीलर लगाया जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पर हम आपको दिखाएंगे 20 मिनट 20 खबरें। नमस्कार।